हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं 13.1 के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में. ठीक है. अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर. एक टेंट है आपके पास, जो शेप है वो किस तरीके की है? सिलेंडर. इट इज जस्ट लाइक दिस. ओके. एंड सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टैप. उसके ऊपर एक कॉनिकल आपकी जो है टॉप है. इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज, हाइट आपको गिवन है 2.1 मीटर, ये गिवन है, एंड 4 सेंटीमीटर आपका डायमीटर, ये पूरा कितना है, सॉरी 4 मीटर. तो जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी? 2 मीटर. यहाँ पे भी क्या हो जाएगी? 2 मीटर. एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, और ये कितनी है? 2.8 मीटर. ओके. अलग से आपको ये गिवन है एल की वैल्यू. फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट. ठीक है. अब आपको एक टेंट लगाना है और उसका कैनवस जो है वो निकालना है, 500 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसकी कॉस्ट निकालनी है. ठीक है. अब देखिए, जब भी आप टेंट लगाते हैं तो देखिए, आपके पास मान लीजिए ये एक क्लोथ है. ठीक है. तो आपने क्या किया, आपने इसको इस तरीके से बीच में से फोल्ड किया. ओके. एंड इसको ऐसे रख दिया, ऐसे. ठीक है. ये आपका इस तरीके से जो है कैनवस रिक्वायर्ड टेंट हो जाएगा. ठीक है. अब नीचे जो है वो है सिलेंडर, यानी ये अपर है और इसके नीचे सिलेंडर है. ठीक है. यहां से यहां तक का क्लोथ सिलेंडर है और इस तरीके से ये आपके पास कोन है. तो ये सिर्फ हमने ये वाला पोर्शन कंसीडर करना है, बाउंड्री. ओके. तो जो ये बाउंड्री आपके पास है, दैट इज पाई आर एल, और ये आपका जो सिलेंडर है इसकी बाउंड्री 2 पाई आर एच. ठीक है. कर्व सरफेस एरिया. नीचे लोअर पोर्शन जो है आपका वो क्या है? फ्लोर, जिसके ऊपर ना आपने सिलेंडर का सर्कल बनाया है ना ही इसका सर्कल बनाया है, इसलिए हम कौन सा एरिया लेंगे? कर्व सरफेस एरिया. ठीक है. तो सबसे पहले आपको जो गिवन है हम वो इसके अंदर रख लेते हैं. हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल That is 2.1 meter. Radius of cylindrical part is equals to radius of conical part, which is equals to 2.8 divided by, sorry, 4 meter given आपको divided by 2, right? तो ये हो जाएगी आपकी 2 मीटर, जो दोनों के लिए सेम रहेगी हमारे पास, क्योंकि उसी सिलेंडर के ऊपर आपका कोन बनाया तो बेस क्या रहेगा? सेम. ठीक है. स्लैंट हाइट ऑफ कोन विच इज एल, वो आपको गिवन है 2.8 मीटर. ठीक है. ये गिवन है आपको सारी चीजें. नाउ स्लैंट हाइट, तो एरिया निकालना है. एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड आपके पास कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल. ये आपकी क्या थी? एच. ये आपका आर और ये आपकी एल. सारी वैल्यूज आपको गिवन है. कॉमन ले लीजिए 2 पाई आर, सॉरी पाई आर कॉमन. अंदर यहां पे देखिए क्या रह गया, 2 और यहां पे एच, प्लस में यहां रह गया एल. तो पाई इज 22/7, आर इज 2. 2 मल्टीप्लाइड एच इज 2.1 प्लस एल इज 2.8. 22/7 मल्टीप्लाइड विद द 2, मैंने इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2.8 से 1 से, तो ये हो गया 4.2. 22/7 दैट इज 2, एडिंग 8 and 2 10, 4 to 6 7.0. अगेन 22/7 मल्टीप्लाइड विद 2 मल्टीप्लाई 7.0, इट मीन 70/10. 10 से 10 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 44 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया? एरिया.
नाउ कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, जिस कैनवस से आपको वो टेंट बनाना है ठीक है उसकी कॉस्ट निकालनी है। अब पर मीटर स्क्वायर 500 है तो 44 के लिए आपका कितना हो जाएगा, 44 मल्टीप्लाई 500 विच इज 20 एज इट इज, 5 4s are 20, अगेन 5 4s are 22 कैरी दिस रुपीस, ये आपकी क्या आ गई टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड। ओके देखिए सबसे पहले हमें बताना चाहिए हमें कौन सा एरिया निकालना है, टोटल या कर्व्ड सरफेस एरिया। वो आपको कहां से पता चला कि आपके पास नीचे का पोर्शन जो है दैट इज योर फ्लोर, अपर पे आपको सिलेंडर खड़ा करना है और फिर इस तरीके से कोन बनाना है, तो कौन सा एरिया रिक्वायर्ड हो जाएगा, 2πrh + πrL विच इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कोन। ठीक है एरिया निकालने के बाद एक मीटर स्क्वायर में से 500 लग रहे हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे, 44 मल्टीप्लाइड विद 500। ओके वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोर यूजफुल एंड अपकमिंग वीडियोज़।